सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेजे हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे, बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ, मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं, मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे, दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंसुओं में गर्क हो गया। इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी, दुआ भी नहीं मांगता मेरे भाई मुसलमानों के लिए। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे, एक रावी कहता है, सात तीन दिन पानी बंद रहा है, रोटी बंद रही है, पर कुरान पाक की तिलावत एक मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। दुआ और इल्तजा एक मिनट के लिए भी बंद है। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए, तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूँ पर समुंदर उछाल देता है। दुआ का रास्ता अपनाएं।